और दूसरी तरफ ये सुनने में आ रहा है कि जी कोई डील स्ट्राइक कर रही है, कोई बातचीत हो रही है, डील तो नहीं, चले डील तो इज अ रॉन्ग वर्ड प्रोबेबली, लेकिन एक कुछ ऐसा बैकडोर चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जी इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी वगैरह वगैरह हो जाएगा, और ये तो मुतालबा इमरान खान का है। तो अगर एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो, और दूसरी तरफ ये दूसरी तरफ जो क्रैकडाउन है वो तो हो रहा है, वो तो हमारे सामने है, हाउ डू यू वेयर डू यू रियली थिंक कुछ ऐसा चल रहा है पीछे? सर देखिए, मैं तो बड़ी आपको वाज़े तौर पर बता देता हूँ कि मेरी इतला के मुताबिक कोई किसी जगह बैकग्राउंड बातें नहीं चल रही हैं। हाँ, हमारे मुझे ये इस बात का इल्म ज़रूर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे रबते में हैं और उनको अपना डेली सांस लेने के लिए भी वहाँ से इजाज़त लेनी पड़ती है। उनके मिलने को मैं या उनकी बात करने को मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रबता या मुज़ाकरात नहीं कहूँगा, वो तो इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ ओनली इमरान खान। अच्छा, लेकिन ये बात जो फैलाई जा रही है ये बड़ी तवातर के साथ फैलाई जा रही है, और आप ये देखिए ये बात कर कौन रहा है। ज्यादातर ये जो बात कर रहे हैं ये वही ट्रोल्स हैं और ये वही लोग हैं जो हुकूमत का प्रोपेगेंडा या फौज का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अच्छा, अब इस वक्त पोजीशन ये हो चुकी है कि एक जमाना था पाकिस्तान की सियासत का जिस वक्त जब कोई बंदा ना, वो कहते थे, बेशक वो शेख रशीद साहब की मिसाल मैं देता हूँ, वो अक्सर खुद ही कहते थे कि वो बंदा गेट नंबर 4 के बाहर वैसे हो सकता है शकरकंदी खा के आए रेडी में से, लेकिन वो बाहर आके लोगों को यही बताता था जी कि मेरी अंदर बड़ी गलबात है। तो वो एक समझा जाता था सियासत के अंदर बड़ा एक रेलेवेंट फैक्टर, और फिर उसके पीछे लोग अपनी सियासत करते थे। आज के डेट में इन 4 नंबर गेट वालों को भी पता लग गया है कि जिसका नाम हमारे साथ जुड़ जाएगा उसकी रही सही कसर भी निकल जाएगी। तो लिहाजा वो खुद ये बात फैला रहे हैं कि हमारे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखिए, इसमें एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी की जरूरत है। इमरान खान ने मुज़ाकरात क्या पूरा फार्मूला तो पब्लिकली दे दिया है। इमरान खान का ये कहना है कि भाई आप अपने रोल में वापस जाओ, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी फौज से कोई लड़ाई है, ना हमारी किसी आईएसआई से कोई लड़ाई है, हमारी तो आपके माइंड सेट से लड़ाई है, आपकी जो जिस तरह से आप सियासत में मुदाखलत और रियासत में मुदाखलत कर रहे हैं उससे लड़ाई है, आप अपने रोल में वापस चले जाएं, आज आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं तो बात खत्म हो जाएगी। अवाम जिसको देखे ना, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, लेकिन एक बात याद रखिए कि इस वक्त एक स्कीम ये भी चल रही है कि इमीडिएटली स्नैप इलेक्शंस करवा लिए जाए। अच्छा, वो स्नैप इलेक्शंस जो हैं वो यकीन जानिए वो एक साजिश है, वो इसलिए मैं कहता हूँ वो साजिश है कि इस वक्त जो कोशिश थी कि फॉर्म 47 के तहत एक दो तहाई अक्सरियत वाली पार्लियमान, एक क्लियर मेजॉरिटी वाली पार्लियमान शहबाज शरीफ जैसे स्टूज के साथ तैयार कर ली जाए, उसके बाद आईनी तरामीम करके इदारों की हैयत बदल दी जाए, स्पेशली जुडिशरी को अंडरमाइन कर दिया जाए, वो कोशिश सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नाकाम बना दी, बिकॉज वो एक सेल्फ सर्वाइवल की जंग लड़ रहे। अच्छा, अब वो चीज नाकाम होने के बाद एक सोच ये पनप रही है इस पूरे सेटअप के अंदर कि जी जल्दी से स्नैप इलेक्शन करा के वफाक के, याद रखिए इनकी जो मनसूबाबंदी है वो ये है कि सूबों के ना कराए जाए, सूबों में सिचुएशन ठीक है, वफाक के स्नैप इलेक्शन करवा दिए जाए, और फिर उसमें जनाब जो हमने पहले फॉर्म 47 वाली लास्ट मिनट धांधली की थी इस दफा पहले दिन से करेंगे ताकि कोई कसर ना रहे और सीधी दो तहाई अक्सरियत आ जाए। अच्छा, अब इस सेटअप के अंदर देखिए जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान साहब का कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसके लिए एक बड़ी बहुत बड़ी शर्त है, वो ये है कि करंट इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है और ये साबित हो चुका है, लिहाजा फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो इस इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं हो सकता है, इस पूरे इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी होना पड़ेगा उनके खिलाफ। वो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफी होगा, जो इलेक्शन कमीशन का जो ये सरदार साहब हैं ये भी होंगे और उसके बाद नए इलेक्शन होंगे, बातें यही बन जाती है। और उसमें ये एक चीज जहन में रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बतौर जमात वापस पार्लियामान में आ चुकी है एज पर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, 39 सीटों का तो उनको वो दे दिया गया है, अब 41 वाला वो उसमें रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डिले हो जाए। लेकिन इसका एक और कॉन्टेक्स्ट भी है कि जब ये इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी होता है या फारिग होता है तो नया इलेक्शन कमिश्नर लीडर ऑफ अपोजिशन की कंसेंट के साथ होगा, और अब लीडर ऑफ अपोजिशन की जो वो जो जगह है पंजाब असेंबली में, नेशनल असेंबली में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पूरी से होगी कि अगला इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, तो वो एक फेयर इंसान को चूज करने की कोशिश करें।
تو لہٰذا اس لیے یہ جو سچویشن بن رہی ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے کہ آپ کے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کا قیام اور پھر الیکشنز کروانا, اور پھر اس الیکشن میں ایک اور بنیادی شرط یہ ہے کہ جس طرح سے پچھلے الیکشن میں جس کو آپ سپریم کورٹ کے تمام ججز ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ بلہ چھیننے والی اور پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ کرنے والی ڈیسیجن جو تھا وہ ایک انتہائی میلافائڈی غلط ڈیسیجن تھا, لہٰذا یہ والا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی بین ہوگا. جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو پھر سارے لڑیں الیکشن.